इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-10-52 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ सर। नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्ते। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पटेल है। सुरेंद्र जी, कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? थोड़ा स्पीड रफ्तार बढ़ाएं क्योंकि बड़ी तकनीक का, अब तो देखिए 5G की स्पीड आ गई है। जी। और श्रोता जब बातचीत में जो गैप छोड़ते हैं ना, तो वो फिर हमें एडिटिंग में मिटाना भी पड़ता है, ये भी समझ लीजिए। जी, हम तो जो है मुरादेव गांव से बोल रहे हैं। जी, BHU के पीछे पड़ता है। और कामकाज क्या है आपका? पढ़ाई चल रही है या फिर कोई कारोबार है आपका? नहीं, हम तो कारोबार करते हैं। बिल्कुल। और प्रोग्राम कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं और किस माध्यम पे आप सुनते हैं? मोबाइल पर? ये कार्यक्रम जो आरोग्य आपका है। जी, आरोग्यम, वो बहुत ही अच्छा है। उसमें श्रोता तमाम जो चिकित्सा जो विशेषज्ञ हैं उनसे सीधे फोन लाइन के जरिए परामर्श ले पाते हैं और कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है और श्रोताओं को बहुत उससे फायदा भी मिल रहा है, ये यकीनन बात है। तो उसके अलावे तो आप लगता है फिर फिल्मी गानों के हेलो फॉर इन फरमाइश वगैरह ही ज्यादा सुनते होंगे। हाँ, हम यही सुनते ही हैं। हमारा कॉल जो है पहली बार सर लगा है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ और आपका कॉल पहली बार लगा तो हम आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में। जी, आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? हमको गाना सुनना है जसवाला राय का, जो निबुड़ा निबुड़ा है गाना ना। हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम, यही गाना हमको सुनवाइए सर। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर और ये एक तरह का देखिए राजस्थान का पारंपरिक लोकगीत है ये। करसन सरगठिया और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इस्माइल दरबार की तर्ज। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी, नाम एक बार फिर से बता दें, साफ नहीं आपका नाम आया। मोहम्मद जमील बोल रहे हैं। मोहम्मद जमील, कौन सी जगह से? बड़ा गांव मदनपुर। और क्या हाल चाल है आपके? कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, सुन रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए कार्यक्रम आ रही है जी, अच्छा लग रहा है। हम लोग का प्रयास ही होता है कि तमाम जो कार्यक्रम आए वो नए नए तरीके से, ताकि आपको ताजगी का एहसास हो, नयापन मिले और कार्यक्रम आपको पसंद आए। कौन सा गीत हम आप आज सुनवाए आपको? हमें सुना दीजिए, शमशाद बेगम का, मेरे पिया गए। हाँ, शमशाद बेगम और चितलकर ने इसे गाया है, पतंगा फिल्म का गीत है जी। सर, आप कौन सा बोल रहे हैं? राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र की तर्ज, और हम अरुण पांडे बोल रहे हैं जी। सर, बहुत दिन के बाद आपसे बात हुई है। नहीं तो कॉन्फ्रेंस से बात होता था जी। जी, तो गीत आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। लेते हैं जो मिल जाए, रूखी सूखी बासी।
आज लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया के कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार। नमस्ते अरुण जी, मैं रतिनाथ त्रिपाठी बोल रहा हूँ कपिलधारा कोटवा सराय मोहना से। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। यानी कि आसपास शोरगुल है या फिर मन में संशय है कि फोन कट न जाए या आवाज नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सामान्य होकर बात करें, हम आपका कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कार्यक्रम सुन रहे हैं कैसे लग रहे हैं? हालांकि आपके जो मेल हैं वो आते रहते हैं तमाम कार्यक्रमों में, व्हाट्सएप भी आपका आता है, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शामिल करते हैं। जी जी नहीं, इसमें तो धन्यवाद हम आपको कहेंगे कि आप जैसे नए नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं। जी ये बात आजकल अच्छा लगता है कि श्रोता जो है मेहनत से लिखते हैं, जो आप ये बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जी जी, और बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं ही जान सकता हूँ। जी जी, हर किसी के जो आजकल जो जिंदगी है वो बहुत ही व्यस्त हो गई है सबके पास। व्यस्तता की नहीं, मेरी तो मान लीजिए प्रॉब्लम ही दूसरा है, आप तो जान ही रहे हैं। जी 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 जी। सर एक रिक्वेस्ट था आपसे, ये जो आपने कार्यक्रम बदला है बहुत अच्छा सब किया है, लेकिन ये जो बीच में जो है स्वास्थ्य वाला कार्यक्रम, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि श्री रामचरित मानस हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें अगर हल्का सा चेंज हो जाए। उसमें कुछ चीजें क्या हो रही है कि अभी भी हमें लग रहा है थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति है, और धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी, कुछ एक जो स्थिरीकरण है वो वास्तव में सही में नहीं हो पाया, कई कार्यक्रमों के बीच में 5-5 मिनट के अंतर पड़ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले हम लोग पूरा सुन रहे हैं आराधना, उसके बाद फिर स्वास्थ्य वाला आ जा रहा है। जी जी, श्री रामचरित मानस। एक सीक्वेंस था जो श्रद्धा और अध्यात्म का माहौल चलता रहता था, वो आपका कहना है? हाँ नहीं, स्वास्थ्य वाला भी जरूरत है, अगर देखा जाए तो जैसे आराधना जरूरी है वैसे स्वास्थ्य भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल, और आप लोग तो बहुत बेहतर तालमेल रखते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, इस थोड़ा से समाचारों के समय में तब्दीली के कारण ये अचानक से स्थितियां आ गई हैं, और देखिए हमें लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो जाए। बस आराधना के बाद जो है किया तो पहले श्री रामचरित मानस, फिर आराधना, और उसके बाद स्वास्थ्य वाला, तो वहाँ पर फिर विचार बिंदु और उसका समय उतना लंबा नहीं मिल पा रहा है। 55% संस्कृत समाचार है वो चेंज नहीं हुआ है। बस वही ठीक है, और सब तो बढ़िया है। जी अच्छा है, गीत कौन सा हम आपको सुनवा दें? सर आज शाहरुख खान का बर्थडे है, और शास्त्रीय संगीत के गायकों ने गाया एक गाना है, आया तेरे दर पे दीवाना। वीर जारा वाला। जी 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 जी, तो वीर जारा फिल्म से हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, मदन मोहन की तर्ज। एक रिक्वेस्ट और था जी, थोड़ा कहकशा में थोड़ा और अच्छा अच्छा गजल, पहले वाला जो है अब ना मेहदी हसन को सुने कई महीनों हो गया होगा। आइए ये कवाली सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Divana, tera 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 divana
कहाँ तू और कहाँ मैं पराया हूँ यहाँ मैं नजर हो जानो दिलवार दूं मैं जिंदगी हार दूं मैं जैसे शम्मा पे मरता है परवाना आया तेरे सर पर दीवाना आया तेरे सर पर दीवाना अफसाना मेरा अफसाना
मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा अफसाना मेरा कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। जी रजा नगर बजट यहाँ से शकील अहमद अंसारी बोल रहे हैं। शकील जी स्वागत है आपका। ये जो खटपट है ना, वो वाकई बनारस की यही पहचान है। ये जो आपके जो चलते रहते हैं करघे, जी जी जी, लूम है ये, एक तरह से पावर लूम है। तो दुनिया ये जान ले आपकी आवाज़ के जरिए कि ये जो खटपट है, ये जो देखने सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, यही वो जगह है जहाँ इतनी खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ बुनी जाती हैं, कपड़े बुने जाते हैं बनारसी, जिनकी दुनिया में अलग पहचान है। और ये सदियों से हमारे आपके भी 100 साल पहले से, उससे भी पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो यही बनारस की पहचान है। और कैसे हैं आप, कामकाज तेज़ी से चल रहा है या फिर कुछ आराम भी मिला आप लोगों को? नहीं, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? प्रोग्राम सुनते हैं एफएम पे अब सुनते हैं फिर, या फिर किसी और जरिए सुन रहे हैं? नहीं सर, हम तो एफएम पे सुनते हैं। जी जी, क्योंकि एफएम पर बहुत सारे श्रोताओं को प्राइमरी चैनल के भी कार्यक्रम चूंकि आते हैं, तो कई लोग जो स्पोकन वर्ड के प्रोग्राम है वो उतना पसंद नहीं करते हैं। हाँ जी 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 सर, अब ऐसा है कि पहले सुनते थे मीडियम, अब एफएम पे चलने लगा तो एफएम क्वालिटी बहुत अच्छा। और ये देखिए, गीत संगीत के साथ साथ हर चीज़ की अहमियत तो है ज़िंदगी में, और उसमें क्या होता है कि बराबर तालमेल हो जाता है गीत संगीत के साथ, आपको जानकारी की और जीवन से जुड़ी अन्य चीज़ों की भी, हर चीज़ की जानकारी आदमी को होनी चाहिए, तो वो मालूमात हासिल हो जाती है। हाँ, हम कभी कभी सोचते हैं सर कि अगर मीडियम बन हो जाए तो अच्छा है। और मीडियम में क्वालिटी बहुत अंतर, बहुत फर्क है। हाँ, ये है कि मीडियम वेव के ट्रांसमीटर धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं और एफएम उसकी जगह ट्रांसमीटर ले रहे हैं। और भी अब तो जैसे तकनीक आने वाली है तो मोबाइल पर ही बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, हमें लग रहा है 5G 6G वगैरह जब आ रहे हैं इस तरह से तब। हाँ सर जी, बात तो सही है, मामला ये है क्योंकि अब हर हाथ में मोबाइल है तो अलग से कोई सेट लेकर के या अलग तरह से कुछ नहीं चाहिए, हर आदमी को मोबाइल में ही दुनिया की हर चीज आजकल चाहिए। नहीं नहीं, बात तो सही है, बात ये है कि हमारे पास मोबाइल अभी है नहीं। जी जी। और ये भी है ना कि जैसे आप लोग एक जगह बैठ के 6-8 घंटे काम करते हैं तो वहाँ पर तो आप सुन सकते हैं एफएम को। हाँ, वो तो अगर व्यवस्था बनाए तो, अब लड़के के आगे अच्छा नहीं लगता है। जी जी, तो कौन सा गीत आज हम आपको सुनवा दें? बस वही पिछला जो गाना था वही टीम है। जी जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर। जी, आए दिन बहार। जी जी, आए दिन बहार के। जी हाँ, आए दिन बहार के, ये कली जब तलक ना। हाँ जी जी जी। और आप क्या कुछ कह रहे थे? अरे बहुत खुशी मिली कल 9:15 बजे, समझ लीजिए क्या वो न्यूज मतलब समाचार। हाँ, अब समाचार जो बहुत सारे श्रोता कह रहे थे कि आधे आधे घंटे के समाचार है, तो समाचार अब 15-15 मिनट के हो गए हैं। आपको दिन में भी गाने सुनने को 2:30 बजे से मिल रहे होंगे और सुबह भी और शाम को भी समय बदल गया है। जी जी हाँ, तो कल हम असल में थे नहीं, कल 2:30 बजे पता तो हमको चला नहीं। जी जी, दावत में चले गए थे, आज सुनेंगे। हाँ, ये सभी जो समाचार जो कई साल पहले जो 15-15 मिनट के और आम समाचार बुलेटिन 5 मिनट के थे, उसी तरह से अब फिर से हो गया है। जी सर, वहाँ मतलब 2019 में जैसा चल रहा था, हाँ, अब उसी तरह हो चुका है। हाँ, समाचार बुलेटिन तो बिल्कुल उसी जगह है, उसी तरह से हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अधिक अधिक अब गीत संगीत सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम ये सोचे कि स्वास्थ्य चर्चा कहाँ गया, तो कल झरोका सुना तो पता चला कि 6:35 से गया आपके। चलिए, बहुत सुकून मिलता है सर, मन मुताबिक जो है थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ। और पत्र के लिए धन्यवाद भी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक बार रविवार को दिन में और फिर शुक्रवार को शाम को प्रोग्राम सुनने को मिले।
हाँ सर, ताकि दोनों ही समय श्रोता सुन पाएंगे, जिन्हें शाम को दिक्कत होती है और जो रविवार को खाली रहते हैं दिन के समय, वो सुन सकते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि हम शाम को सुन नहीं पाते हैं, हम एक घंटा मशीन चलाते हैं शाम को। तो अब वो प्रोग्राम इतवार को दिन में 2:30 बजे भी आएगा, तो आप जरूर सुन पाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा होगा सर, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की होगी जी। और दो बार होने से होगा कि जिन लोगों से छूट जाएगा वो फिर उसे शुक्रवार को शाम को जो तय समय है उस समय भी सुन सकते हैं। नहीं, बात सही है सर, इसलिए कि हम काम के आगे हम छोड़कर अच्छा नहीं लगता है, सुनेंगे तो हमको सुकून नहीं मिलता है काम के आगे। अब गीत सुन लेते हैं आए दिन बहार की फिल्म से। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो, इंतजार करो। किया रोज हमने बयां ये
अफसाना किया, रोज तुमने नया एक बहाना किया। ये बहाना मगर आखरी है सनम, एतबार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो, बेकरार करो। इंतजार 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 करो, इंतजार करो। हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो, इंतजार करो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते, आवाज बहुत तेज है पीछे से, जो शोर की आवाज है। जी जी सर, वो मशीन चला रहे थे ना तो इसकी आवाज थी। बहुत जरूरी है मशीन, और उसे शोर भी नहीं कह सकते क्योंकि देखिए रोजी रोटी तो हर किसी का इम्पोर्टेंट होता है, उसी पर पूरी जिंदगी और सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उसकी भी अपनी अहमियत है और हम लोग उसका आप लोगों की तारीफ करते हैं इस बात के लिए कि कामकाज के बीच आप वक्त निकाल कर हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं। नाम हमारे सामाइन को बता दीजिए आप। जी अहमद नगर बजटिया से बद्रुद्दीन बोल रहा हूँ। बद्रुद्दीन जी, अच्छा लगता है आप जैसे श्रोताओं से नियमित रूप से आजकल हम लोगों की बात हो पा रही है, क्योंकि आप सब हैं जो निरंतरता से कई दशक से वर्षों से हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। जी जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच बहुत सारी तब्दीलियां हुई, समाचार बढ़े और एफएम मीडियम वेव को लेकर के भी बहुत सारी तब्दीली हुई, मोबाइल पे प्रसारण आए, तो बहुत बदलाव के बीच भी बहुत सारे लोग छूटते जाते हैं, नए लोग जुड़ते जाते हैं, लेकिन आप लोग मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया कहते हैं आपको। बिल्कुल सर, क्या है कि हम लोग बहुत दिनों से इसमें जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम भी काफी अच्छा लगता है, और उसी में बस टाइम भी हम लोग अच्छे से पास हो जाता है, काम धंधा भी अच्छे से हो जाता है। जी जी, तो कामकाज ठीक ठाक चल रहा है और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, कोई खास बात आप कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के मुताबिक? कोई खास बात तो नहीं है सर, प्रोग्राम तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन जैसे बदलाव हुआ है तो आगे भी और बदलाव होगा। जी जी, अब बहुत सारे जो बुलेटिन आधे आधे घंटे के थे और बहुत सारे श्रोता कहते थे कि दिन के समय या फिर शाम के समय बहुत लंबे समाचार हो जा रहे हैं जिस कारण से मनोरंजक कार्यक्रम नहीं हो रहे, तो समाचार अब बिल्कुल पहले की तरह 2017-18 में जैसे आते थे उस तरह के हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब अधिक से अधिक गीत संगीत के कार्यक्रम आपको सुनने को मिल रहे होंगे। कौन से गाने की आज फरमाइश है आज आपकी? फिल्म आई थी मन की आंखें, उसमें गीत है ना चला दिया, अरे क्या नाम उसका, जाने वाले आजा तेरी याद सता है, मन की आंखें ना। मन की आंखें, हाँ रफी साहब और लता जी की आवाज चला भैया, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, मैं ओम प्रकाश देवांगन ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बोला सर। कैसे हैं, क्या हाल चाल है और छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं वहाँ पर? सब बढ़िया बढ़िया है सर जी, और मैं टेलर काम करता हूँ। तो तीज त्योहार जब पड़ते हैं तो काम बहुत बढ़ जाता होगा आपका भी? हाँ जी सर, जी सर वो तो है, दीपावली बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है। जी जी, और दीपावली के त्योहार पर कामकाज भी बढ़ गया होगा, और बहुत सारे दीपावली में ये होता है कि घर का की साफ सफाई, दुकानों की साज सज्जा साफ सफाई, ये भी साथ साथ करने होते हैं। लेकिन ये भी है कि बारिश के बाद ये साफ सफाई हो जाती है तो बहुत सी जो नमी रहती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी अलग हट जाते हैं और सफाई पूरे घर में हो जाती है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। हाँ सर। कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको, किस माध्यम पे सुन पाते हैं आप कार्यक्रमों को? बिल्कुल अच्छा लगता है सर, और क्या है, हम तो मोबाइल ऐप से सुनते हैं सर जी। तो और कुछ रिकॉर्ड करके आपके फरमाइश को हम ये रेडियो के दीवाने में जुड़े हैं। जी जी, तो उसमें पेश करते हैं तो हम श्रोताओं, और अगर इंटरनेट के द्वारा सुगमता से आप जुड़े हों तो जो AIR वाराणसी चैनल है उस पर भी बहुत सारे कार्यक्रम, खासतौर से ये जो हेलो फोन इन फरमाइश है या और भी कई कार्यक्रम है, वो आपको
AIR वाराणसी के YouTube चैनल पर भी प्रसारण के बाद सुनने को मिल सकते हैं। बिल्कुल जी सर, जी सर। अब क्या है, अभी इतना ही कर सकते हैं सर, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं जी, जी। तो हमको भी सांस सांस बधाई मिल जाता है आपके चैनल के नाम से, बिल्कुल बहुत लोग मतलब पसंद करते हैं सर, इसलिए हम आपका ये फरमाइशी कार्यक्रम बिल्कुल हम छोड़ते नहीं सर, बिल्कुल सुनते हैं। बहुत बढ़िया, और हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। किस गाने की आज फरमाइश है इस कार्यक्रम में? ये रंगोली पे एक गाना था, एक हिसाब से दीपावली के हिसाब से आप यही गाना सुनवा देते हो। ये गीत के बोल है, जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे पे घर लक्ष्मी अंदर आती तो, है। वही बात, ये जीवन ज्योति फिल्म है, जिस द्वार पे घर की बहू, लता मंगेशकर की आवाज है। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत और रेयर गीत है, बहुत कम इस गाने की फरमाइश आती है, आइए सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद सर। Thank you.
जिसके घर के अंदर लक्ष्मी आती है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ नमस्ते सर। सर मैं चौखंडी से प्रगति पांडे बोल रही हूँ। प्रगति कैसी हैं? बस बस सर ठीक हूँ। दीपावली और छठ में लगता है कि मम्मी व्यस्त हो गई इसलिए आपको ये बागडोर थमा दी उन्होंने कार्यक्रम चलाने की। एक्चुअली मम्मी मुंबई चली गई हैं। अच्छा अच्छा तो छठ में गई है उसके बाद गई है अभी? नहीं, नहीं, वो शास्त्री दी को बेटी हुई है ना 20 अक्टूबर को। क्या कहने, तो हमारी ओर से भी बधाई कहिएगा, बहुत बहुत मुबारकबाद, परिवार में नए सदस्य और खुशियों का आगमन हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अब घर का तो काम फिर आपको संभालना पड़ता है, फिर कुछ मदद मिल जाती है? नहीं नहीं एक्चुअली भाई का क्या उसका बीएससी में हो गया एडमिशन। जी जी तो वो भी चले गए वहाँ पे क्या? नहीं उसकी क्लासेस चलेंगे 10 नवंबर से। जी जी तो घर से आएंगे जाएंगे या फिर हॉस्टल में रहेंगे वहाँ पर? नहीं नहीं हॉस्टल में रहेंगे वो तो। और आप कहाँ से, आपकी पढ़ाई हो रही घर से या फिर आप भी वहीं रहती हैं? नहीं नहीं सर घर से अप डाउन करना, अभी एडमिशन तो हुआ नहीं है। जी जी हाँ अभी 2-3 दिन में वो आ जाएगा एडमिशन। और आपकी पढ़ाई का मैं कह रहा हूँ? हाँ सर मेरी पढ़ाई का वो अभी पीजी वाला काउंसलिंग चल रहा है ना। तो आप भी फिर वहाँ हॉस्टल में चली जाएंगी? हाँ सर हो सकता है हॉस्टल में, फिर अप डाउन भी कर सकते हैं। चलिए एक तो है कि यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग माहौल होता है, लेकिन दूसरी बात है कि अगर शहर में ही है और घर परिवार से दूर हैं तो वो कसक भी एक अलग तरह की होती है, वो भी तकलीफ देती है। जी बिल्कुल, और खासतौर से जो आदमी परिवार से अटैच रहता है ज्यादा, उसमें बच्चियाँ जो होती है खासतौर से। हाँ हाँ अकेले घर पे मम्मी पापा भी रह नहीं सकते ऐसे, मतलब बच्चा सिवा में चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा घर पे। जी 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 लेकिन ये तो दुनिया की रीति है, एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को जाना ही है। लड़कों को भी काम करने बाहर जाना पड़ता है, लड़कियों की भी शादी ब्याह हो जाने पर अलग जाना ही होता है। तो चलिए अच्छा है। तो आप कितनी खुशी हुई और खुशी में आपने क्या कहा बच्चों को? बच्ची तो अभी बहुत छोटी होगी, वो आपको पहचान नहीं रही होगी। हाँ अभी वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही देखा है उसको। तो अच्छा लगता है, चलिए इसी तरह से जीवन में खुशियां आती रहती हैं। तो अभी घर का काम करना होता होगा? हाँ हाँ सर घर का काम तो करना होता है। तो मम्मी ने ठीक ठाक से आपको सिखा दिया फिर आपने सीख लिया अपने से? नहीं नहीं मम्मी ने थोड़ा हेल्प किया सिखाने में। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो बात बात में कहा जाता है कि ये सीख लो ये सीख लो आगे काम आएगा, तो कोई भी चीज सीखना गलत नहीं है, हर कोई हर काम जाने तो अच्छा होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नए जमाने में जब छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं और आगे जाकर के आदमी को एक ही यूनिट में रहना पड़ता है, तो हर काम हर कोई करे तो एक मदद हो जाती है हर किसी को। कार्यक्रम सुन रही हैं या फिर पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दे रही हैं? नहीं नहीं कार्यक्रम तो यूट्यूब के थ्रू जो है ना वो बहुत अच्छा सिस्टम है, मतलब कभी उसको सुन सकते हैं। जी ये तो अच्छी बात है। और कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? हॉबीज क्या है आपसे कभी पूछा था हमने या फिर नहीं पूछा आपसे कि पढ़ने के अलावा और घर के काम के बाद कोई फुर्सत मिलती है, फिर आज के समय व्यस्तता इतनी है कि बच्चों के पास हॉबीज के लिए वक्त ही नहीं? नहीं नहीं सर मुझे क्रिकेट खेलना काफी पसंद है, सॉन्ग भी सुन लेते हैं। क्रिकेट का शौक है? तो कमेंट्री सुनती देखती है फिर खेलने का भी शौक है? नहीं नहीं एकदम देखना खेलना। अच्छा खेलने का भी शौक है ना? हाँ। तो अच्छी बात है क्योंकि देखिए खेले आदमी खुद तो उसका अलग ही आनंद है और अलग है, खेलकूद तो बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। कौन सा गीत सुनवा दें प्रगति? एक हसीना थी एक दीवाना था का सॉन्ग होगा क्या, नई वाली मूवी उसमें एक सॉन्ग है हुए बेचैन पहली बार ऐसा कुछ करके। और गाती है कि नहीं कभी प्रगति आप? तो आप स्वस्थ रहें और जब स्वस्थ रहें तो अगली बार जब बात हो तो जरूर आप हमें गीत सुनाएं और प्रोग्राम्स में भाग लेती रहें और इसी तरह से घर में खुशियां आपके रहें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद आप सभी को एक बार फिर से, बहुत शुक्रिया प्रगति, नमस्कार। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना, अगर इकरार हो जाए किसी
से तार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि हम ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 से और रिकॉर्डिंग होने तक यानी अमूमन 11:15-11:30 तक रिकॉर्डिंग होती है। फ़ोन नंबर हमारा आप नोट कर सकते हैं 2221052 यानी 222-1052 एसटीडी कोड वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और साथ ही ये जानकारी भी कि इस रिकॉर्डिंग को हम दो भागों में प्रसारित करते हैं, एक शनिवार को और फिर दूसरा रविवार को। समय दोनों ही दिन एक है, दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच का। तो प्रोग्राम में आप भाग लें और उन्हें कार्यक्रमों को सुनें और ख़ासतौर पर प्रसारण के बाद आप कार्यक्रमों को यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। बहुत सारी शुभकामनाएँ, नमस्कार। समझो अजनबी, सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। मोहब्बत से नहीं वाकिफ, बहुत अनजान लगती हो। हमें मिलना जरूरी है, हकीकत ना समझती हो। कोई कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना।